दिल्ली प्रांत के नगर मिलन प्रमुख रिंकू शर्मा को राम जन्मभूमि के समर्थन में प्रचार करने पर जिहादियों द्वारा घर में घुसकर रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां बजरंग दल के सदस्यों ने रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि दी और रिंकू शर्मा अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर बजरंग दल के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन से हत्यारे की फांसी दिए जाने की मांग की। स्वर्ण रानी के साथ पटना सिटी से न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। आप लोग ये क्या रिंकू शर्मा क्या थे, क्यों इनका श्रद्धांजलि दिया जा रहा है? रिंकू शर्मा एक राम भक्त थे जो राम मंदिर निर्माण के लिए संग्रह कर रहे थे और जय श्री राम का नारा हम लोग लगाते हैं जब निधि संग्रह के लिए जाते हैं। हम भी अपने क्षेत्र में निधि संग्रह कर रहे हैं, मगर कुछ जिहादियों के षड्यंत्र का शिकार हमारा भाई रिंकू शर्मा जो हुआ है और वहाँ की सरकार जो उस घटना को दाम लपेट कर करके जो पेश कर रही है कि ऐसा वो बर्थडे पार्टी में गया था तो ऐसा हुआ था, पर मैं उस सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो रिंकू शर्मा की हत्या किया है उसको फांसी की सजा होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? प्रेम कुशवाहा नाम हुआ हमारा, बिजबिंदु परिषद बिहार नगर नगर मंत्री। ये रिंकू शर्मा अपने बजरंग दल के नगर के मिलन प्रमुख और राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए जब वो निधि समर्पण के लिए नगर में निकले थे तो कुछ जिहादी तत्वों ने उनको टारगेट किया और वैसे लोग टारगेट किए जो कि उनसे कहीं ना कहीं ऋणी थे। उनसे कोरोना के काल में रिंकू शर्मा जी उनको फोन भी दिए थे उनके परिवार वजनों को। इन सब के बावजूद बार बार विश्वासघात तो उनके तरफ से होता ही है, वही ट्रिक उस दिन भी दोहराया गया जब हमारे रिंकू शर्मा अपने टोली के साथ निकले थे राम जन्मभूमि निधि समर्पण के लिए, तो उनके ऊपर कमेंट किया गया और उसी का एक प्रतिकार था कि उनके घर में घुस करके उनको मार दिया गया। वहाँ का प्रशासन बहुत सारा अपना अपना ये बना रहा है। आज क्या आप लोग करने जा रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर उसी के विरोध में एक उनके लिए श्रद्धांजलि यहाँ पे कर रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं और एक प्रशासन को एक हम लोगों का संदेश भी है कि जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द फांसी का सजा हो। हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि वहाँ का प्रशासन कुछ ना कुछ उलटफेर कर रहा है, कारनामा कुछ और हुआ है, बताया कुछ और जा रहा है। उनके घर में घुस करके उनका हत्या किया गया है और बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी का रंजिश था जिसमें वहाँ का एक कोई कांस्टेबल है वो भी उसमें संलिप्त है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा एक ही मांग है कि रिंकू शर्मा को न्याय मिले और वो न्याय जितने भी अपराधी हैं उन सबको फांसी के बाद फांसी के साथ ही उनको न्याय मिल पाए। क्या नाम हुआ आप? राजेश रोशन, पटना महानगर बजरंग। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।